वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। फिरोजाबाद के गांधी पार्क चौराहे पर कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला और नारे लगाकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी ने बताया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा तो दूर, लोगों के पास जो रोजगार था उसे भी छीन लिया। तो वहीं दूसरी तरफ लाला राइन गांधी ने कहा कि यह सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, जो बोलते हैं वह करते नहीं है। भाजपा सरकार ने 2014 में सरकार लाने का वादा किया था, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसी के चलते आज कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। कांग्रेस कमेटी अब यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। देखें एयरपोर्ट, मकबूलुद्दीन, वॉइस टीवी यूपी, फिरोजाबाद। संबंध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बेरोजगारी को लेकर। भाजपा सरकार देखिएगा, हिंदुस्तान के अंदर भाजपा सरकार ने 2013 में 14 में सरकार बनाने का वादा किया था कि हम सरकार लाएंगे, हर चीज सस्ती करेंगे, नौकरी 2 करोड़ हर साल में नौकरी देंगे। लेकिन आज वो सरकार विफल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों से चल रही है और जुमले वाली पार्टी है। अब देश की जनता नहीं सहेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी। कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, हर जनता के हर के दुख दर्द में कांग्रेस काम में आएगी और भारतीय जनता पार्टी को युद्ध से युद्ध बचा दिया है। किस जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है? गांधी पार्क से, हम गांधी पार्क चौराहे से लेकर सदर बाजार तक जुलूस लेकर जाएंगे, जनता के बीच में अपनी जनता की समस्या सुनेंगे, जनता की आवाज़ उठाकर हम संघर्ष कर रहे हैं।